वेलकम बैक टू अवर चैनल यमी मम्मी सिंपल कुकिंग। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार सी चिकन की कढ़ाई कह लें आप इसे, लेकिन ये बनेगी सिर्फ टमेटोज और ग्रीन चिली के साथ। इसमें हम ऑनियन यूज़ नहीं करेंगे, तो आप इसे ग्रीन चिली चिकन भी कह सकते हैं और इसे चिकन कढ़ाई भी कह सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमें चाहिए, हमने लिया है 1 pound बोनलेस चिकन। आप कौन सा है वो रेगुलर चिकन भी ले सकते हैं, जो भी चिकन आप यूज़ करना चाहें आप वो कर सकते हैं। इसके साथ हमने लिया है 5 जौन से हैं हमने लार्ज साइज़ के हमने टमेटोज लिए हैं। 12 से 13 मैंने ली हैं ग्रीन चिली। ये जो ग्रीन चिली है ये बहुत तेज़ नहीं है, अगर तेज़ आप लेंगे तो डेफिनेटली उसको कम डालेंगे, लेकिन ये बहुत अच्छा कलर देंगी लेकिन और टेस्ट बहुत अच्छा देंगी, लेकिन ये बहुत तेज़ नहीं है, बहुत तीखी नहीं है। इसके साथ हम लेंगे 2 tablespoon आधी प्याली जौन सी है हमने लिया है देसी घी, आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ हम लेंगे जी 1 teaspoon हमने लिया है अदरक का पेस्ट और 1 teaspoon हमने लिया है लहसुन का पेस्ट। साथ हम इसके लेंगे 1 teaspoon हल्दी, सॉल्ट हम लेंगे टेस्ट के मुताबिक, 1 teaspoon हम लेंगे खुश्क धनिया और साथ हम लेंगे 1 teaspoon ब्लैक पेपर काली मिर्चें और 1 teaspoon ही हम लेंगे पिसा हुआ ज़ीरा क्यूमन पाउडर। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं हमारा ग्रीन चिली चिकन। तो चलिए ये सबसे पहले हम कटिंग कर लेते हैं। हम सबसे पहले टमेटोज अपने काट लेते हैं। इसको मैं काट रही हूँ 4 slices में। ये जो ग्रीन चिली चिकन है इसमें कौन सा है वो आप देख रहे होंगे कि इसमें ऑनियन नहीं डलते, और ये बहुत, एक तो इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट होता है आम रेगुलर चिकन कढ़ाई से हटके होता है, और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है इसका और बहुत जल्दी बन जाती है। टमेटोज तो मैंने काट लिए हैं, अब हम काट लेते हैं ग्रीन चिली। इसको जो सा है वो मैं दरमियान से एक कट लगाऊंगी। ये देखिए इस तरह से काटना है हमने, काट लिए हमारे टमेटोज भी रेडी हैं। तो चलिए आइए पकाना शुरू करते हैं। चलिए जी अब हम शुरू करते हैं। स्टोव कर दिया है मैंने ऑन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम डाल देते हैं हमारा जो 1/2 cup है देसी घी, जैसे ही ये गर्म होगा हम इसमें डाल देंगे चिकन। हो गया है गर्म और अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं चिकन। अच्छा, जो चिकन को जो सा है हमने
अच्छी तरह से पकाना है। जैसे ही इससे हल्का सा कलर आएगा तो इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। देखिए इसको पकाते हुए हमें तकरीबन 5 से 8 मिनट हो गए हैं। चिकन ने अपना देखें जो इसका कच्चापन जो इसका एक कलर था वो तो ख़त्म हो गया है। ठीक है, अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे हम फिर इसी तरह पकाते रहेंगे। अदरक लहसुन के साथ ही हमने इसको 3 से 4 मिनट तक जैसा है वो भुना है इसी तरह। अब हम इसमें डालेंगे हमारे जो मसाला जात हैं। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून सोया धनिया, 1 टीस्पून हल्दी, सॉल्ट टू टेस्ट, 4 जीरा पाउडर 1 टीस्पून। इसे हम अच्छी तरह से कर लेते हैं मिक्स। बस 1-2 मिनट तक हम इसे इसी तरह भुनेंगे, उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे टमेटोस। हरी मसाला जात के साथ भी इसको हमने 1 से 2 मिनट तक पकाया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमेटोस। अच्छा जी, टमेटोस डाल के जो सा था मैंने इसे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे रखा, तो अब देखते हैं कि क्या सिचुएशन चल रही है। इसे हम थोड़ी देर जो सा है वो और रखेंगे। जैसे ही ये मतलब 5-10 मिनट इसे हम और रखेंगे, जब टमेटो जो से हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इसका जो जिसकी स्किन है ये ऊपर से ये हम निकाल लेंगे। तो इसको मैं कवर करके 5-10 मिनट के लिए और रखती हूँ। अच्छा जी, 5 मिनट इसे हो गए हैं, हमने मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है कवर करके। तो अब देखते हैं, ये देखिए, अब आप ये देखें कि ये जो टमेटोज की स्किन है ये पीछे से छिलका जो इसका है वो खुद ब खुद उतर आएगा। तो ये देखें इस तरह से, तो अब मैं ये जो इसके सारे जो छिलके हैं वो मैं उतार लेती हूँ और फिर ये बड़ा नाइसली से ये जो से हैं बीच में मिक्स हो जाएंगे। चलिए जी, अब इन्हें अप करते हैं फ्लेम फुल। मैंने फ्लेम कर ली है हाई और अब हमने इन जो टमेटोज हैं और चिकन को खूब अच्छे तरीके से पकाना है हाई फ्लेम पे। अब हमने उसको तब पकाना है जब तक पानी सूख जाए और साथ साथ जो है हमारे टमेटोज भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो देखिए तकरीबन जो उसका है इसका पानी वो ड्राई हो चुका है और इससे नीचे भूनते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। देखें टमाटर सारा कुछ बहुत अच्छे तरीके से हो गया है इसमें मिक्स। इसे थोड़ी देर हम होल बनाते हैं तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर और ग्रीन चिली। अब इसमें हम ऐड करते हैं ग्रीन चिली।
साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे वन टीस्पून सॉरी वन या वन टीस्पून ब्लैक पेपर, ठीक है। उसके हम अच्छी तरह से करेंगे मिक्स, बहुत जबरदस्त की खुशबू आ रही है। अब हम इसे रख देंगे कवर करके लो फ्लेम पे पाँच मिनट तक हम इसे रख देते हैं लो फ्लेम पे। तो मिलते हैं आपको 5 मिनट्स। 5 मिनट हो गए हैं हमें इसे ग्रीन चिली डाल के कवर किए हुए, तो चलिए आइए देखते हैं। ये देखिए ज़बरदस्त सा हो गया है रेडी, आपको मिलते हैं इसको डिश आउट करने के साथ। तो ये थी हमारी मज़ेदार सी ग्रीन चिली चिकन कढ़ाई। आई होप आपको ये पसंद आई होगी, इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने कमेंट्स और के ज़रिए हमें बताइए कि आपको ये कैसी लगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। नेक्स्ट टाइम आपको फिर मिलेंगे एक सिंपल सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।